दोस्तों, जैसा कि आप मेरे सामने मेरे पीछे देख रहे हैं कि आपको जियो के काफ़ी सारे फ़ोन्स दिख रहे होंगे, तो दोस्तों मेरे पास जियो के फ़ोन्स आ चुके हैं। और आज इस वीडियो में हम इस फ़ोन की रेड वाले बॉक्स की अनबॉक्सिंग करेंगे। लास्ट टाइम हमने ब्लू बॉक्स की अनबॉक्सिंग की थी, जो डेमो बॉक्स था। तो दोस्तों, अब ये जो रेड वाले फ़ोन्स आए हैं, ये सारे कस्टमर्स के लिए हैं। पहले वाले सारे ब्लू जो थे डेमो थे। और दोस्तों, ये वाला फ़ोन जो है पहले वाले फ़ोन से इसका मॉडल कुछ डिफरेंट है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कि ये फ़ोन कैसा है और क्या क्या इसमें फ़ीचर्स हैं, कुछ चेंज हुए हैं या जैसा पहले ब्लू वाले बॉक्स में फ़ीचर थे, तो वही सेम फ़ीचर्स इस बॉक्स में आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, आइए अब शुरू करते हैं, देखते हैं कि इसकी अनबॉक्सिंग में क्या निकलता है। दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगा घंटी का बटन दबा दीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके और आप उन सभी वीडियोस को देख सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो में अब हम इस फ़ोन की, रेड वाले फ़ोन की अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कि इसमें हमें क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों, अब ये बॉक्स खुल रहा है और अब हम इस बॉक्स में देखेंगे कि इस बॉक्स में क्या क्या निकलता है। तो दोस्तों, एक इस पे आपको जियो का फ़ोन मिलेगा और दोस्तों इस पे आपको एक ये स्टिकर मिलेगा और दोस्तों उसके बाद आपको इस पे एक ये चार्जर मिलेगा। दोस्तों, इस चार्जर की 5 वोल्ट आउटपुट है और उसके अलावा 700 mAh का है ये, और 5 वोल्ट इसकी आउटपुट है। दोस्तों, एक ये चार्जर मिलेगा और एक ये इस पे हमें बैटरी मिलेगी। और दोस्तों, ये बैटरी 2000 mAh की बैटरी है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे, मैं थोड़ा सा जूम करके एक बार आपको दोस्तों देखिए दिख गया होगा कि ये 2000 mAh की बैटरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में अब हम देखेंगे कि क्या क्या इस पे आपको फीचर मिल। दोस्तों, आप अगर ध्यान से देखेंगे इस फ़ोन में, तो इस फ़ोन में जो आपको सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड की जगह दिख रही है, वो नीचे की तरफ दिख रही है। बट दोस्तों, सेम मॉडल के कुछ फ़ोन ऐसे भी मार्केट में हैं जिसपे आपको यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर, जैसा मैंने ब्लू वाले फ़ोन में दिखाया था, लेफ़्ट साइड पे आपको मेमोरी कार्ड और सिम कार्ड का स्लॉट मिलेगा, बट इस फ़ोन में ये बैन नीचे की तरफ है। तो दोस्तों, आप देखिएगा आपको कौन सा वाला मिलता है फ़ोन। और दोस्तों, उसके अलावा एक फ़र्क मैं आपको और बता दूं, आप अगर इसके बैक में देखेंगे तो आपको रुपी का एक साइन दिख रहा है ब्लैक कलर में एम्बोस किया हुआ। दोस्तों, सेम मॉडल आपको मिलेगा और कुछ कस्टमर्स को ऐसा भी मॉडल मिल रहा है, ये वाला आपको बैक कवर में ये वाला लोगो नहीं मिलेगा। दोस्तों, मॉडल नंबर सेम है। तो दोस्तों, अब हम इसको ऑन कर लेंगे और ऑन करके फिर हम देखेंगे आगे कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। दोस्तों, जैसा आपको इस पर दिख रहा होगा, जियो कायोस्क लिखा हुआ आ रहा है। दोस्तों, अब देखिए, ये आपका फ़ोन जो है, ये फ़ोन ऑन हो चुका है। और देखिए दोस्तों, ये अब ये फ़ोन ऑन हो चुका है। अब हम एक तो आपको इस पर अलर्ट्स की ऑप्शन मिलेगी, जिस पर मैसेजेस वगैरह आएंगे, और ये बीच में मेनू का बटन है, लास्ट आपका राइट साइड पे कॉन्टैक्ट्स का बटन है। और दोस्तों, अगर आप इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे तो इस पर टॉर्च जल जाएगी, ये मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था, ये सेम वही फीचर है। और दोस्तों, अब हम इसकी मेनू में चेक कर लेते हैं कि इसके मेनू में क्या क्या हमें मिलने वाला है। देखिए दोस्तों, इसमें हमें कॉल लॉग्स हैं, कॉन्टैक्ट्स है, और उसके बाद जियो स्टोर है इसमें, और मैसेजेस हैं, क्लॉक है, कैमरा है। देखिए दोस्तों, कैमरे की क्वालिटी आपको दिख रही है, ठीक ठाक क्वालिटी है, 2 मेगापिक्सल का इसमें कैमरा है। ऑप्शंस में जाएंगे, अगर हम इसे फ्रंट कैमरा करना चाहें तो हम इसे फ्रंट कैमरा भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, फ्रंट कैमरे में इस पर आपको मेरी फ़ोटो दिख रही होगी। हम आगे देखेंगे कि इसकी क्वालिटी कैसे है, कुछ पिक्चर्स हम इससे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसी लगती है। दोस्तों, कैलेंडर है, म्यूज़िक है, और उसके बाद ये दोस्तों गैलरी है। गैलरी में अभी तक मैंने कोई फ़ोटोग्राफ इस पर खींची नहीं है, जब मैं फ़ोटो इस पर क्लिक करूँगा तो उसके बाद शो करेगा। दोस्तों, उसके बाद इसमें FM है, ब्राउज़र है, कैलकुलेटर मिलेगा, वीडियोज़ हैं, वॉइस असिस्टेंट है। और दोस्तों, उसके अलावा इस पे सेटिंग्स में हम देख लेते हैं कि इसके सेटिंग्स में हमें क्या क्या मिलने वाला है। दोस्तों, सबसे ऊपर तो एयरप्लेन मोड है, उसके बाद इस पे आपको मोबाइल नेटवर्क डाटा मिल जाएगा और आपको वाईफाई मिल जाएगा। दोस्तों, हॉटस्पॉट इस फ़ोन में नहीं है, और ब्लूटूथ मिल जाएगा। दोस्तों, आपको NFC की ऑप्शन है इस फ़ोन में, और आपकी जियो लोकेशन। दोस्तों, उसके अलावा आपको कॉलिंग की ऑप्शन मिल जाएगी, सेटिंग्स में इमरजेंसी अलर्ट है। और दोस्तों, अगली सेटिंग्स में साउंड है, डिस्प्ले है, सर्च है,
और सर्च इंजन गूगल है, और सर्च सजेशंस यस, यानी कि आप जब भी कुछ सर्च करेंगे तो आपको सजेशंस शो करेगा दोस्तों। उसके अलावा अलर्ट्स की बारी आती है, तो अलर्ट में शो ऑन लॉक स्क्रीन, यानी कि आप इसे यस कर देंगे तो आपके स्क्रीन पे लॉक स्क्रीन पे भी आपको नोटिफिकेशन शो करेगा, मैसेजेस आपको शो करेगा। और दोस्तों शो आफ्टर रीबूट में भी आप अगर यस करेंगे, अगर आप अपना फ़ोन को रिस्टार्ट करते हैं तो भी आपको अलर्ट्स वो शो करेगा। दोस्तों डेट टाइम है, लैंग्वेजेस है, इनपुट लैंग्वेजेस में आप यहाँ पे लैंग्वेजेस भी चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों अगली सेटिंग में जाते हैं जिसपे आपको स्क्रीन लॉक मिलेगा, सिम सिक्योरिटी मिलेगी आपको, ऐप परमिशन यानी कि आप किसी एप्लीकेशन को कोई परमिशन देना चाहते हैं, डू नॉट ट्रैक यानी कि दोस्तों अगर आप इसे यस कर देते हैं, ओके कर देते हैं, तो डू नॉट ट्रैक में आपको कोई सी भी आपकी जो वेबसाइट आप अपने फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं तो आपको कोई सी भी वेबसाइट ट्रैक नहीं कर पाएगी कि आपकी क्या लोकेशन है। मीडिया स्टोरेज 974 MB अवेलेबल है, और एप्लीकेशन के लिए तकरीबन आपका 1.26 GB अवेलेबल है। दोस्तों उसके बाद डिवाइस इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पे मॉडल नंबर दिखाएगा, और इसका मॉडल नंबर जो आपको दिख रहा है F81E है, और जो मैंने आपको पहले डेमो सेट दिखाया था उसका 2403 था मॉडल नंबर। दोस्तों वॉइस असिस्टेंट के लिए जब भी ऑन करेंगे तो वो पहले बोलता है कि प्रमाणित करने में असमर्थ, अपने इंटरनेट कनेक्शन की जाँच करें। तो दोस्तों बिना इंटरनेट के वॉइस असिस्टेंट नहीं चलेगा। कुछ सेटिंग्स मेरे को इसमें कुछ चेंजेस दिख रहा है, पहले मेनू काफी ज्यादा थे ब्लू वाले फोन में और उसमें वॉइस असिस्टेंट भी खुल जाता था, पर दोस्तों इस पे बिना इंटरनेट के वॉइस असिस्टेंट नहीं खुलेगा। जियो स्टोर पे अगर हम जाएंगे तो जियो स्टोर भी ओपन नहीं होगा क्योंकि वो इंटरनेट मांग रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे सारी जियो की एप्लीकेशंस मिल जाएंगी। और दोस्तों अब बात करते हैं कि इन बटन्स में क्या क्या फीचर्स हैं, इसके कीपैड में हमें क्या क्या मिलने वाला है। और लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे आपको रुपी का एक सिंबल दिख रहा है सबसे फर्स्ट की पे। तो दोस्तों ये जो फर्स्ट की रुपी का सिंबल आपको दिख रहा है ये जियो मनी के लिए है, और अभी ये ओपन नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर कार्ड अभी एक्टिव नहीं है। तो दोस्तों वीडियो कॉलिंग के लिए भी वही ऑप्शन जैसा मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ टाइम के लिए इसको प्रेस करके रखना पड़ेगा ग्रीन बटन को। दोस्तों बाकी सारे ऑप्शंस आपको वही सेम मिल जाएंगे जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। दोस्तों आपको यहां पे ये दिख रहा होगा 5 नंबर पे आपका लिखा हुआ है SOS, यानी कि दोस्तों आप अगर 5 नंबर को कुछ टाइम के लिए प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली इमरजेंसी नंबर आपका वो नंबर इस फोन से मिल जाएगा। और दोस्तों कीपैड लॉक करने के लिए स्टार का बटन है, इससे आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो कीपैड अनलॉक और लॉक आप कर सकते हैं। जीरो बटन को आप कुछ टाइम के लिए प्रेस करेंगे तो ब्राउजर ओपन हो जाएगा, और इस पे आपको कर्जर भी दिखेगा, आप कर्जर भी यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर की तरह, और यहाँ पे आप कुछ भी अपना साइट वगैरह आप खोल सकते हैं, अपना इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। और दोस्तों साइल उसके अलावा देखिए आपको यहाँ पे जियो की साइट, फेसबुक आप चला सकते हैं, ट्विटर है, गूगल है, ऑलरेडी इस पे डले हुए हैं ये सारी टॉप साइट्स के नाम से बुक मार्क ऑलरेडी दे रखा है इस पे। नेविगेशन की को करेंगे तो कुछ ये शॉर्टकट मेन्यूज खुल जाएंगे, यानी कि वॉल्यूम है, ब्राइटनेस है स्क्रीन का, टॉर्च है, कैमरा है, और दोस्तों कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं आप यहाँ से, शॉर्टकट मेन्यू है, एरोप्लेन मोड मिलेगा आपको, इंटरनेट डाटा इस पे आपको ब्लूटूथ मिल जाएगा, इस पे आपको मोबाइल डाटा और वाईफाई की ऑप्शन मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम एक बार नीचे की तरफ नेविगेशन की को तो वहाँ पे आपका म्यूजिक प्लेयर खुल जाएगा। और दोस्तों उसके अलावा अगर हम राइट साइड पे करते हैं तो कैमरा ओपन हो जाएगा, और अगर हम दोस्तों लेफ्ट साइड पे नेविगेशन की को करेंगे तो मैसेजेस ओपन हो जाएंगे। आप ये देख सकते हैं काफी अच्छा फोन है फीचर वाइज, और ऑलमोस्ट मैंने आपको सारे फीचर्स बता दिए हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते। और दोस्तों मेरे पास ये फ़ोन आ चुके हैं तो अब मैं सिम एक्टिव करके और उसके बाद आपको यूज़ करके बाकी सारी एप्लीकेशंस के बारे में भी बताऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।